ये वाला जो फुटबॉल पाम है, ये मैंने 2004 जनवरी 2004 में लगाया था, और 2004 से आप खुद ही देखिए कितने साल इसको हो गए हैं। इसकी खासियत है, जितने बड़े पॉट में आप इसको लगाते जाएंगे, उतना बड़ा इसका ये बेस होता जाएगा, जो ये गोला है वो उतना बढ़ता जाएगा, और उसकी ग्रोथ भी, ऊपर से भी इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती चली जाती है। पीछे ये मैंने इसको नीचे रख दिया था और लुक आफ्टर नहीं हो पा रहा था, इसमें मैं ठीक से पानी नहीं डाल पाई थी तो उसका ग्रोथ रुक गई थी। अब मैं इसको दोबारा से ऊपर ले आई हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से रख पाऊँ। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब हम पेट को या पौधों को अपने घर में लाते हैं और पॉट में लगाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनको टाइमली पानी दें और उनका खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। उसके साथ साथ उनमें, जैसे पौधे हैं, गर्मी में उनको 2 से 3 बार पानी उनके ऊपर छिड़का जाए, सुबह और शाम इनको पानी दिया जाए ताकि ये ग्रीन बने रहें और घर को खूबसूरत बना के रखें। अपने टाइम को ऐसे पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखने से क्या होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। हम कहीं पर भी बैठेंगे, गॉसिप करेंगे और कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकलेगा और वो बात हमारे लिए हो सकती है घातक हो, हमारे लिए नुकसानदेह हो। अगर हमने कोई भी बात किसी के लिए कही है, वो हमारा सोच हो सकता है, हमारे एक परसेप्शन हो सकती है, लेकिन जब हम इन कामों में बिज़ी होते हैं तो उस समय ना तो हमें किसी और के साथ की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई भी ऐसी परेशानी आती है कि हमने किसी को कोई कमेंट दिया है और उस कमेंट से हमें क्या नुकसान होने वाला है। कोशिश मेरी 100% 110% यही रहती है कि मैं अपने ही कामों में बिज़ी रहूं ताकि अच्छा मैं कुछ सोच सकूं, कुछ पॉजिटिव कर सकूं। इस लाइफ टाइम में अभी ईश्वर ने मुझे कोविड के बाद मुझे एक बार फिर मौका दिया है अपने आप को रिकवर करने का, अपने आप में और अच्छे गुणों को डालने का, और अगर मैं किसी के लिए कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ तो मैं उनकी हेल्प करना पसंद करूँगी। हेल्प नॉट इन द सेंस कि मैं इतनी सक्षम हूँ, नहीं, इसलिए करना चाहूँगी कि मैं किसी का सुख का कोई एक साधन बन सकूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और मैं ईश्वर को हाथ जोड़ के उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत, इतना प्यारा जीवन दिया। इस जीवन में अगर मैं किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए भी एक मीडिएटर के रूप में कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं अगर जो भी कुछ करूँगी, सामर्थ्य मेरा नहीं है, वो ईश्वर मुझे उसके लिए आगाह करते हैं कि ये काम आज आप कीजिए। और ये जो वीडियोस भी मैंने बनाने शुरू किए हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने किसी भी आचरण से, अपने किसी भी काम से लोगों को प्रभावित करके, एज अ इन्फ्लुएंसर उनको अपनी भावनाओं से प्रभावित करके कुछ अच्छी चीज़ों के लिए उनको प्रेरित कर सके, यही मेरा एक मेन मकसद है वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। ओह माय गॉड, देखो मेरी मेट ने क्या किया है, ये पोछा लगाने का बाल्टी इसके ऊपर रख कर गई हैं, और जो कि ये ठीक नहीं है, उनको अच्छी जगह, सही जगह पे रखना चाहिए था। एनीवे, ये मैं डेली मॉर्निंग आवर्स में इनको थोड़ा गीला कर देती हूँ, और ये पॉट भी बहुत खूबसूरत है, इसको भी मैं
आपको अलग से इसकी खूबसूरती दिखाऊंगी। ये कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं गणेश जी, इनको यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ मैं अगले